नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और हर किसी की इच्छा रहती है कि वो नए साल की शुरुआत नए सिरे से करे, खासकर पैसों के मामले में कोई गलती ना करे। अगर आप भी अपने पर्सनल फाइनेंस के मामले में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इस साल के 12 ऐसे वित्तीय कार्य जिन्हें पूरा नहीं करने पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और आपकी जेब को झटका लग सकता है। तो चलिए जानते हैं उन 12 वित्तीय डेडलाइंस के बारे में जिन्हें मिस करने से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहली तारीख है 28 फरवरी 2022। इस दिन दो ऐसे वित्तीय कार्य की डेडलाइन है जिन्हें पूरा करना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला है पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख। बिहार सरकार ने पहले पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 रखी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया। अब पेंशन भोगी 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट देश भर में पेंशनर्स को जमा करना पड़ता है ताकि उनके पेंशन में कोई रुकावट या परेशानी ना आए। 28 फरवरी को ही जो दूसरा वित्तीय कार्य है वो है ITR वेरिफिकेशन। जिन लोगों ने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरिफिकेशन नहीं किया है वो 28 फरवरी तक इस काम को पूरा कर ले, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगली तारीख है 15 मार्च। वित्त वर्ष 2020-21 के अग्रिम कर भुगतान के लिए आखिरी तारीख 15 मार्च तय की गई है। एडवांस टैक्स पेमेंट करने वालों को तय तारीख पर अपनी किस्त चुकानी होती है। वहीं अगर कोई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उसे समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है। बता दें कि अगर आप 15 फरवरी तक एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो धारा 234A और धारा 234B के तहत ब्याज लागू होगा। गौरतलब है कि सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पेमेंट से छूट दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले वित्तीय डेडलाइन की ओर, जो है 31 मार्च। और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस दिन चार महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों की डेडलाइन है। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले इसे हर हाल में करवा लें, वरना आपको ₹1,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी इनवैलिड हो जाएगा, जिसकी वजह से वित्तीय लेन देन में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 31 मार्च को ही एक और अहम वित्तीय कार्य की डेडलाइन है। अगर आप किसी कारणवश 31 दिसंबर 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 का ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो 31 मार्च को आप ये काम पूरा कर सकते हैं। आप 31 मार्च 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपने इस बार भी देर की तो आपको 5,000 का लेट फाइन देना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास की डेडलाइन भी 31 मार्च ही है। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का ऑप्शन चुना है तो 31 मार्च तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लें। यानी कि आपको सुनिश्चित करना है कि आपने सभी सेक्शन के तहत मौजूद डिडक्शन का लाभ उठाया है। इसके साथ ही 31 मार्च को ही बैंक खाता KYC पूरा करने की आखिरी तारीख भी है। RBI ने इसे 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया है। फिलहाल RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक KYC अपडेट करने को लेकर वित्तीय संस्थानों को कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। KYC में ग्राहकों से उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। साथ ही उनकी हाल ही की कोई तस्वीर भी बैंक में जमा करनी होती है। अगली तारीख है 15 जून। इस दिन वित्त वर्ष 2022-23 के पहली किस्त की आखिरी तारीख तय की गई है। टैक्स पेयर्स को 15 जून तक एडवांस टैक्स पेमेंट की पहली किस्त चुकानी होगी। इस तारीख तक एडवांस टैक्स पेमेंट का 15% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों पर धारा 234B और धारा 234C के तहत ब्याज लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली तारीख की ओर। RBI की टोकनाइजेशन डेडलाइन को 1 जनवरी से बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया गया है। दरअसल नई व्यवस्था के तहत RBI ने पेमेंट कंपनियों को यूजर्स के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का डेटा सेव करने से मना किया है। अब पेमेंट कंपनियों को कार्ड के बदले एक कोड देना होगा जिसका नाम टोकन रखा गया है।
1 जुलाई के बाद से अब यूजर को हर बार या तो सभी डिटेल भरने होंगे या फिर कार्ड के विवरण को टोकन देना होगा। ये फैसला RBI ने ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। अगली तारीख है 31 जुलाई, वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अगर तय समय सीमा में कोई टैक्स पेयर ITR दाखिल नहीं करता है तो उसे 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब रुख करते हैं अगली तारीख का। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की दूसरी किस्त के भुगतान की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई है, यानी इस तारीख तक टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स 45% भुगतान करना होगा। और आखिरकार आते हैं हमारी अंतिम महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य पर। 15 दिसंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की तीसरी किस्त का भुगतान की डेडलाइन की समय सीमा तय की गई है। इस दिन तक टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स पेमेंट का 75% तक भुगतान करना होगा, वरना उन्हें भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।